मैं उठाऊं क्या? हॉर्न बजा रहा है। चलो अभी वहां पे ले ले यार। अरे हो जाएगी जा। हो गया भाई भाई में इसको इंजन इसको ऑन कर इंजन ऑफ कर। जिक्र है किसका खान आबशारों में दिलकश नजारों में चारों किनारों में। ये जिक्र है किसका खान आबशारों में यू यू वल्लो यंबर जल्लो वटी अखी लटी होश पावना। हेलो, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस सी जगह है जिसका नाम है धर्मशाला। पर धर्मशाला से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जो इतनी फेमस तो नहीं है पर शायद इससे ज़्यादा सुंदर है। एटलीस्ट मेरे को तो इससे ज़्यादा ही सुंदर लगी, तो आज वहीं जा रहा हूँ मैं। उस जगह का नाम जानते हैं आप लोग? उस जगह का नाम है बो वैली। और पता है वहाँ क्या है? काबरू वाटरफॉल। क्या बोल रहे हैं? काबरू कहाँ, किधर है भाई काबरू वाटरफॉल? पैदल है, पैदल पैदल बाइक ये लगा दे। चली जाएगी, चली जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। कितनी दूर है? एक किलोमीटर। एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर, डेढ़। बाइक पूरे आगे तक चली जाएगी। ये भाई ऑफ रोडिंग है। यार डूब हो गई, पता है रोक ले। थोड़ा पानी भाई कहाँ है?
ये कहाँ गए हम वो यूं ही सा भाई क्या सीन है लोग तो क्यों नहीं वो सही नहीं है रुक जा यार बहुत सुंदर है भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है इस जगह का नाम है बो वैली हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अभी है भाई दूर है यार खींचता दो दो टाइप के ट्रैवलर होते हैं एक तो मेरे जैसे कि भाई फोटो में लगे रहते हैं एक तेरे जैसे बंद कर इसको भाई कहाँ कहाँ गया अच्छा ये तो बता दे अरे कहीं ना यार बंद कर बता अरे मुझे पता नहीं यार 10-15 मिनट यहाँ पे बैठे उसके बाद अब आगे 1 किलोमीटर और ऐसी रोड है यार रास्ता बंद है क्या हाँ हाँ रास्ता बंद है पूछ क्या हूँ काबरू जाना है काबरू काबरू परे यार परे परगा ना इधर वाला रास्ता काबरू 12:05 काबरू किधर को है किधर से तुम्हारा स्कूल कितने जगह है यही रास्ता यही रास्ता नीचे या इधर सीढ़ियों से नीचे को ऊपर को मत चलना नीचे को नीचे को तुम्हारा स्कूल कितने बजे का है ये तो जुड़वा है 12:30 है ना 12:30 का है जल्दी पहुंच जाओ कितनी दूर है चलो ठीक है काबरू वाटरफॉल अभी कोई भी टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे और ना ही यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है एक्चुअली यहाँ पे नहीं आता कोई पर जगह भाई ये बहुत ज़्यादा सुंदर है कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हाँ यही है ना नीचे वाला एक धर्मशाला है मैकलोडगंज है बीर बिलिंग है और कुछ है भाई त्रियुन ट्रैक है यही है मेन मेन टूरिस्ट प्लेस पर ये जो बो वैली है ये भी कांगड़ा में ही है पर ये इतनी फेमस नहीं है इतनी फेमस नहीं है इसलिए ही इतनी सुंदर भी है लोग नहीं आते गंदगी नहीं मचाते भैया हमें टूरिस्ट कम आते क्या आप जल पर चल पड़ेंगे गर्मी के सीजन आ गया है अच्छा 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 तो हिमाचल के ही होते हैं कि बाहर के भी होते हैं दिल्ली लोकल ज़्यादा आते हैं अच्छा अच्छा चल भाई बैग टांग चल तो थैंक यू भैया आ रहे हैं बस हम यहाँ पे भाई सुंदर है यार त्रिवेणी से सुंदर है बहुत सुंदर है त्रिवेणी से अरे वाह भाई बढ़िया लग रहा है यार
अभिषेक बढ़िया फोटो आ रही यार। तो सजन मेरे और मिलन गिर जा ऊपर से सावन आया दे दी दुहाई है लंबी जुदाई। भाई बढ़िया ट्रैकिंग है यार, उससे तो बढ़िया लगी मेरे को यार, त्रिनु बेकार था यार। अरे वहाँ पे कुछ था नहीं भाई, पानी की नदी नहीं है यार, एक पानी की बोतल फड़ सके। भाई कहाँ कहाँ पे लोग रह रहे हैं देखियो, यही जन्नत है बुक्कुल भाई, यही जन्नत है। क्या करेरी तो कल चलेंगे, नहीं चलेंगे? हाँ चलेंगे। पानी पी लो यहाँ का, सही ट्रैक बना हुआ एकदम, रास्ता सही है। भैया ने बताया यहाँ पे टूरिस्ट सारे लोकल हिमाचल के ही आते हैं, ज़्यादा दूर के नहीं आते। यहीं पास में कारेरी लेक का भी ट्रैक है। थक गया भाई, थोड़ी देर बैठ जा। क्या गमछा वमछा है तेरे पास? नहीं, टेंशन आ रहा है तू, काले तो ऐसे ही है। पानी पिला दे यार। हेलो बता ये किसका पेड़ है, चल बता दे। हाँ किसका है पता नहीं चल रहा, कोई है नहीं, मतलब पूछता है यार उससे। ये रास्ते में पेड़ की प्रोटेक्शन के लिए बना रखे हैं शायद ये, हमारे यहाँ पे लोहे थोड़ी धूप ज़्यादा है ना, वरना तो भाई मज़ा ही आ जाता है यहाँ का। ये फिर लगता नहीं भाई ये कहाँ है, आ गए हम पता नहीं क्या लगता भाई, बादल थोड़े होते हैं देखिए फिर। अरे नमस्ते, इसको क्या बोलते हैं, इसको किरड़? अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, दिल्ली से। हाँ जी पूरा ट्रैक गांव के बीच में से है और बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, और वोडाफोन एयरटेल की सिम तो मेरी काम नहीं कर रही, यहाँ पे शायद BSNL चलता हो।
कंटिन्यूस चल रहे हैं, आधा घंटा हो गया। पर अभी तक डेस्टिनेशन नहीं आई है। सही रास्ता है, हैं? काबरू इधर से अंकल जी, ऊपर से ले भाई। ऊपर ही चल फिर। कोई नहीं बना भाई मार्क। पर दिख भी तो नहीं रहा ना वाटरफॉल दूर से। ये पाइप जा रहे हैं वैसे, क्या पता वहीं से आ रहा है पानी। ठंडा भाई पानी, पानी है इसमें। बीच में पाइप फटा हुआ है, कितना प्रेशर से पानी निकल रहा है बाहर। हटियो, ये रेनबो भी आ रहा है। हाँ वो आता पानी, पानी दे दे, पानी दे दे। पी ले अबे, ये नहीं पी जाएगा यार। क्यों पागल है क्या? कहीं ना आया पानी, नहीं पिया जाएगा। मुँह लगा ले यहाँ पे, गला खुल जाएगा। अंकल है ना जो सुबह करते हैं, हैं उनको बोल अंकल मुँह लगा ले। छोटा सा नींबू बन रहा है। चलो और आंटी से पूछो भाई। हाँ हाँ, नमस्ते। कितना टाइम हो गया होगा स्टार्ट किए हुए? जहाँ पे बाइक लगाई थी वहाँ से 40 मिनट। ये रास्ता बढ़िया है भाई, छोटा ट्रैक है, सीनरी बढ़िया है। अभी थोड़ी धूप है बस, पर शाम को या फिर जब बारिश होती होगी, जब यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया सुंदर व्यू होता होगा। मार्किंग है नहीं? नहीं है भाई मार्किंग, मैं देख रहा हूँ। है नहीं, यही रास्ता है और कहाँ रास्ता। करियो रास्ते में ऐसी मार्किंग तो नहीं है, पर लोग मिल जाएंगे। हाँ जहाँ तक हमें लग रहा है हम सही रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर है। वैसे भी लोग मिल जाते हैं, कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी दूर में कोई मिल जाएगा, उससे पूछ सकते हो। इधर आगे मिलना भी मुश्किल है। हाँ इधर आगे मिलना भी मुश्किल है, बट द बेस्ट पार्ट वुड बी वी विल गेट द वाटरफॉल टू ourselves, बिकॉज इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। 600 मीटर है उधर को, आए थे मंदिर का, आए थे को ग्राम पंचायत। यहाँ भी गाँव है 8 किलोमीटर। वो तरीके 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करके गाँव जाते होंगे लोग, हैं? पानी कर लियो।
इतना भी नहीं, इतना भी नहीं भाई, इतना भी नहीं यार, इतना भी नहीं। ऐसे कह रहा यार, ये हमारा आगे के मात्रा तो नीचे से ऊपर तक जाए। हां 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 पता है। हम लोग कहां से? दिल्ली से, दिल्ली से था बाहर के लिए। आप किधर से? हम अरे बेटा मलमपुर से। अरे कोई ऊपर गया था, चलने के लिए था। जमीन तो बढ़िया है। अरे सही है, बस आगे भी सही, पीछे वाला बीच वाला पोस्टर बड़ा अच्छा, बीच में थोड़ा हुआ है। हां हां बीच में तो बहुत बढ़िया, उसके बड़ा बढ़िया था। हां ये जहां से पेड़ शुरू हुआ है आप तो पहुंच गया था एक मोड़ ऊपर सामने जा रहा। चलो चलो सौ दो सौ मीटर और रहता है बस। चलो इसी वाटरफॉल के लिए एक घंटे की ट्रैकिंग की हमने। और भाई एक ज़रूरी बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है, 11 फीट होगा कम से कम डीप, क्योंकि यहाँ पे भी 4 फीट तो था ही और वहाँ पे थोड़ी हाइट ज़्यादा लग रही है। तो जब भी किसी भी वाटरफॉल में नहा रहे हो ना, तो पहले जहाँ पे कम डीप है वहाँ पे जाना, शैलो में जाना मतलब।